Welcome back to the 100 cases. In this video, we will talk about the case of Kirk versus Gregory. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure you subscribe to this channel because we come back to you twice every week. तो अब इस केस में क्या होता है कि एक फैमिली में किसी आदमी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके घर में काफी सारे लोग उसको उसके फैमिली वालों से मिलने के लिए आते हैं और इसी वजह से फैमिली उनके फैमिली हाउस में काफी भीड़ लग जाती है। और फिर उसके बाद जो जो आदमी मरा था उसकी सिस्टर इन लॉ क्या करती है कि वो उस मरे हुए आदमी के कमरे में जाती है और वहां से लॉकर खोल के सारी ज्वेलरी निकाल लेती है और अपने रूम में जाके किसी अनलॉक्ड बॉक्स में उसको रख देती है। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद उस अनलॉक बॉक्स से ही ज्वेलरी चोरी हो जाती है और सारा इंजाम उन सिस्टर इन लॉ के ऊपर लग जाता है। अब ये केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट इस केस में क्या सजा देता है। कोर्ट इस केस में ये कहता है कि अगर एक रीजनेबल मैन के इंटरप्रिटेशन से देखा जाए तो क्या होता है, यहां पे अगर प्रॉपर्टी जो होती वो अगर उसी कमरे में रखी रहती तो प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब प्रॉपर्टी उस कमरे से निकाल के किसी दूसरे कमरे में रखी गई है जो कि बिल्कुल भी अननेसेसरी था, उसी की वजह से प्रॉपर्टी चोरी हुई है, इसीलिए जो सिस्टर इन लॉ हैं उनको सजा दी जाएगी और वो हेल्ड लायबल करी जाएंगी उस चोरी के लिए। तो इस केस में जो सिस्टर इन लॉ थी उनको सजा मिली थी। I hope you understood this case and thank you for watching this video. And make sure you subscribe to this channel because you know we come back to you twice every week.